गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडर चैप्टर 5 द कैप्टन्स डॉटर। कैप्टन्स डॉटर बाय जेम्स थॉमस फील्ड। द पोएट शोज द करेज एंड द फेथ ऑफ द लिटिल गर्ल इवन व्हेन द बिग एडल्ट्स वर ऑलरेडी गिविंग अप होप of ever surviving in the rough sea. The men in the ship were devastated and had already given up hope for ever surviving the rough waves. The poem The Captain's Daughter gives an account of a violent storm at sea which threatened to snatch away the lives of the people who were on board a ship. It was a tense night for every soul on the ship as the storm promised to wreak havoc and put an internal end to their lives. Let's start. We were crowded in the captain. We were crowded in the cabin. Not a soul would dare to sleep. सब लोग कहाँ पे थे? Crowded इकट्ठे थे cabin में। cabin एक ship का एक room और एक single soul में भी हिम्मत नहीं थी सो जाने की। क्यों? क्योंकि वो जो नाइट थी वो बहुत टेंस थी। इट वॉज मिड नाइट ऑन द वाटर्स एंड अ स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप। और ये जो नाइट थी, जो मिड नाइट थी, जो वो वाटर के ऊपर ऑन द डीप, डीप मीन्स ओशियन, वहाँ पे क्या आया था? एक तूफान आया था। It's a fearful thing in winter to be shattered by the blast and to hear the rattling trumpet thunder cut away the mast. It's a fearful things. जो वाटर में एकदम डरावनी चीज थी, रह रहकर जो चीज थी डरावनी जाड़े में, to be shattered by the blast, और जो वो ब्लास्ट मीन्स होता है जो तेज़ लहर, जो बहुत भयंकर वाली जो हवा थी वो क्या, जो भयंकर वाली हवा थी वो सैटर्ड मीन्स एकदम चकनाचूर कर देना चाहती थी। ट्रम्पेट जो बिगुल जो सुनाई दे रहा था वो किस चीज़ का था? रैटलिंग, खड़खड़ाने का। और जो थंडर था वो कट अवे द मास्ट, ये जो मास्ट है, ये जो पिलर है, जो खंबा है, ये इसको क्या कर देना चाहता था? काट देना चाहता था। सो बी शडर्ड देयर इन साइलेंस। इसलिए हम मतलब जो जितने भी पीपल वहाँ पे थे लोग, शडर्ड शिवर्ड एकदम कांप रहे थे, वहाँ पे बहुत साइलेंस था। फॉर द स्टाउटेस्ट हैड हिज ब्रीथ, और सब क्या थे, जो सब लोग थे वहाँ पे वो हैड हिज ब्रीथ, अपनी ब्रीथ को, स्टाउटेस्ट किसके लिए यूज हुआ है? ब्रेविस्ट, उन लोगों ने क्या किया हुआ था? अपनी सांसों को एकदम पकड़ के रखा हुआ, तो सांसें एकदम उनकी रुकी हुई थी। वाइल द हंग्री सी वॉज रोरिंग एंड द बीकर्स स्टॉक्ड विद डेथ, और जो हंग्री जो सी था, जो ये समुद्र था, ये रोरिंग दहाड़ रहा था। एंड द बीकर्स, बीकर्स मीन्स जो बड़ी जो वेव, जो लहर आ रही थी, वो क्या कर रही थी? वो बातें कर रही थी डेथ से, मृत्यु से बातें कर रही थी। इट मीन्स वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही फियरफुल था, वहाँ पे खूब तेज वाला स्टॉर्म तूफान आया हुआ था और सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। एज दस वी सेट इन डार्कनेस ईच वन बिजी विद हिज प्रेयर्स, और जैसे कि हम लोग अंधेरे में बैठे हुए थे और
सब लोग अपनी प्रेयर्स में बिजी थे. वी आर लॉस द कैप्टन शाउटेड एज ही स्ट्रगल्ड डाउन द स्टेयर्स. जैसे कि कैप्टन सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए उतरे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने चिल्लाया कि वी आर लॉस्ट, हम लगभग खो चुके हैं. बट हिज लिटिल डॉटर विस्पर्ड एज शी टुक हिज आईसी हैंड. लेकिन उसकी जो डॉटर थी, छोटी बच्ची, उसने फुसफुसाया. विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाया. एज शी टुक, जैसे ही उसने अपने पापा का ठंडा हाथ पकड़ा. इजंट गॉड अपॉन द ओशियन जस्ट द सेम एज ऑन द लैंड. क्या गॉड ओशन पे नहीं है जैसे कि वो लैंड पे रहता है? इट मींस कि जैसे वो हमारी मदद लैंड पे करता है, वैसे क्या वो समुद्र में नहीं करेगा, समुद्र के ऊपर? देन वी किस द लिटिल मैडन एंड वी स्पोक इन बेटर चीयर. और तब हमने किस किया वो छोटी यंग बच्ची को, और हमने थोड़ा बेटर चीयर, चीयर मतलब फील किया, बेटर चीयर बोला. एंड वी एंश्योर सेफ इन हार्बर व्हेन द मून वाज शाइनिंग क्लियर. और जब शाइनिंग, जब ये मॉर्निंग शाइनिंग क्लियर हुआ, हमने लंगर डाला सेफली इन हार्बर. हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे शिप को तूफान वगैरह से बचाने के लिए जहाँ पे खड़ा किया जाता है, वहाँ पे जब उन्होंने सेफली वहाँ पे अपना लंगर डाला, तब उन जब मौसम एक मॉर्निंग एकदम शाइनिंग और क्लियर था. थैंक यू स्टूडेंट.